बच्चों आज मैं आपको विषय हिंदी वर्णमाला जो कि कक्षा 3-4 के लिए बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताऊंगा। वर्ण की परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते, जैसे राम और गया। राम और गया में चार चार मूल ध्वनियां हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे जैसे र धन आ, जैसे र धन आ। धन म जो कि धन अ बराबर राम, जो कि इसमें जैसे र इसके साथ ही आ बोल रहा है, आ। धन म इसके साथ में अ, जैसे राम म आ रहा है, तो इसी प्रकार ये राम। अब ये है गया। ग धन अ क के साथ अ, जैसे लिखेंगे गया तो ग के साथ अ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। ग धन अ तो ग धन य धन आ या, तो ये होगा गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनि इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को क्या कहेंगे? वर्ण। हर वर्ण की अपनी अपनी क्या होती है? लिपि। जो भाषा होती है, जो लिपि, वो हर वर्ण की अपनी अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिपि को क्या कहते हैं? लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्ण संकेत। बच्चों हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो है 52। हिंदी में वर्णों की संख्या है 52। अभी जो वर्णमाला बताया, आगे है वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। जो भी हम जैसे बोलते हैं, हम किसी से वार्तालाप करते हैं, तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि होती है। उसी ध्वनि को हम क्या कहेंगे? वर्ण। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को, अगर वर्ण को हम व्यवस्थित करें, क्रम से लिखें, अगर हम वर्ण जो मैंने अभी बताए जैसे इनको अगर हम क्रम से व्यवस्थित करते हैं, लिखते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा ग प्लस अ गया, इसी प्रकार उनको हम व्यवस्थित करेंगे तो व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में जो उच्चारण के आधार पर, हिंदी में हम जो बोल रहे हैं, जो उच्चारण करेंगे हम वर्णों का, तो उसके आधार पर 45 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 45। इनमें 10 स्वर
इनमें 10 क्या होंगे स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? जैसे हम लिखते हैं लेख, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें इनमें 13 स्वर, इनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन। इसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो लेखन के आधार पर अभी हमने बताया कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन।